हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों के फेफड़े जन्म से ही कमज़ोर होते हैं और काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जिनके फेफड़े किसी बीमारी के कारण कमज़ोर हो जाते हैं। फेफड़ों की कमज़ोरी के कारण उनको काफ़ी सारी बीमारियाँ बनी रहती हैं, जैसे बार बार सर्दी हो जाती है, बार बार खांसी हो जाती है, बार बार निमोनिया की शिकायत हो जाती है और घूमने फिरने चलने पर उनकी सांस फूलती है। इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए काफ़ी सारा इलाज कराते रहते हैं, जैसे देसी रूखड़ियाँ खाते हैं, आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं, होम्योपैथिक इलाज कराते हैं और एलोपैथिक इलाज कराते रहते हैं। लेकिन भाइयों, जब तक दवाइयाँ खाते हैं उनको फ़ायदा मिलता है और दवाई बंद करने के बाद उनको ये सभी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको फेफड़ों को मजबूत करने की एक एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, आप अपने फेफड़ों को मजबूत करना चाहते हैं तो भाइयों आपको एक मशीन लेकर आना होता है। इस मशीन को रेस्पिरो मीटर कहते हैं। भाइयों, आप इसको ऑनलाइन या बाजार से खरीद कर ले आए तो भाइयों इसका इस्तेमाल करने से आपके फेफड़े पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे। तो भाइयों, इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। भाइयों, आप बैठ जाएं और इसके पाइप को भाइयों आपको दांतों के बीच में दबाना होता है और होठों को बंद कर लें। फिर भाइयों, आपको सांस को अंदर की तरफ खींचना होता है, जिससे भाई उसमें बॉल होती हैं जो अलग अलग रंग की होती हैं, तो भाइयों उठने लग जाती हैं। तो भाइयों, आपको उन बॉलों को उठाना होता है और आपको सांस को धीरे धीरे छोड़ना होता है। ये काम भाइयों आपको लगातार 5 मिनट के लिए करना होता है और एक दिन में 4 से 5 बार करना होता है। लगातार करते रहेंगे तो भाइयों जो आपके फेफड़े हैं वो पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे। तो भाइयों, आप दवाई का भी इस्तेमाल करें और इस एक्सरसाइज को करें तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं भाइयों, आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।